मैं जानना चाहता हूँ उनसे। सर, सर आप आए हैं इस साईं बाबा के भंडारा में, क्या मतलब आप संदेश देना चाहते हैं या क्या सलाह देना चाह रहे हैं? सुख संदेश क्या देना चाह रहे हैं बोलिए सर। बाबा के दरबार में सब भक्ति में लीन है जी, बाबा का भंडारा चल रहा है जी। कमेटी को बधाई है। अशोक कुमार देख रहे हैं कि संझौली के भंडारा में प्रदीप कुमार जोशी जी आए हुए हैं और यहां भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कहां चलने के लिए आए? रामबली लालसा देवी आशा देवी कसकी बोली दीपक कुमार 10 रुपया बाबा के सहयोग में। आप सभी श्रद्धालुओं के से निवेदन है, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो साईं बाबा के दरबार में आके दान दे सकते हैं। साईं बाबा मंदिर के बगल में स्टॉल लगा हुआ है, जिन श्रद्धालुओं को दान देना है वो काउंटर पे आके दान दे सकते हैं। ओम साईं पूजा जो है विगत 10 वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है संझौली प्रखंड के तमाम ग्रामवासियों के आयोजन से किया जाता है। हमने आर्थिक विभाग यात्रा इसके बाद भंडारा का आयोजन किया जाता है। भंडारा में सभी श्रद्धालु जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद शाम में साईं जागरण का कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग कार्यक्रम जो है इसको विधिवत पैमाने पर
आगे बढ़ाने के लिए आप अपने चैनल के माध्यम प्रसारित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। यहाँ देखिए साईं बाबा के प्रोग्राम में बच्ची लोग अपनी कला को प्रदर्शित कर रही है। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूँ जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह।